हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आ गए हैं मथुरा और वृंदावन धाम। आज के वीडियो में हम सुबह दिल्ली से मथुरा और वृंदावन जाएंगे, पूरा दिन मथुरा वृंदावन धाम घूमेंगे और मथुरा वृंदावन के 5 मोस्ट विजिटेबल प्लेस में घूमेंगे और रात को ट्रेन में हम वापस दिल्ली भी आएंगे। तो जो लोग एक दिन के लिए मथुरा वृंदावन ट्रिप प्लान कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। हर एक मंदिर का विजिटिंग टाइम अलग है, तो कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ पर लंच करना है और कितने बजे वापस भी आना है और कितना खर्चा होगा, सारे कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम सुबह दिल्ली से मथुरा के लिए ट्रेन लेंगे। दिल्ली से ताज एक्सप्रेस 7 बजे, सागरिया इंटरसिटी एक्सप्रेस और सुबह के 6 बजे शताब्दी एक्सप्रेस, 3 ट्रेन मिलते हैं। हर एक ट्रेन में शताब्दी को छोड़ के 100 रुपया का टिकट पड़ते हैं। तो देखिए 2 घंटे में हम मथुरा पहुंच गए हैं। मथुरा पहुंचने के बाद उधर बहुत सारे भोजनालय है स्टेशन पर ही, उधर में आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम देखें स्टेशन के बाहर आके इधर से ई रिक्शा, ऑटो, ये सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाते हैं। इधर आप किसी को भी बताएंगे कि जन्मभूमि जाएंगे तो वो पहुंचा देगा। 20 रुपया करके पर हेड टिकट होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आ गए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि। माना जाता है कि श्री कृष्ण की मामा कंस से उनके परिवार को कारागार में बंदी बनाकर रखा हुआ था। इस कारागार में ही जन्म हुआ था श्री कृष्ण भगवान का। इस मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान अलाउ नहीं है, मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए इसके पास जो क्लॉक रूम है इधर जाके पहले आपको बड़े सामान इस क्लॉक रूम में जमा करना पड़ेगा और छोटे सामान साइड में मोबाइल जमा करने का जगह है वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इस मंदिर में घूमने के लिए आपको 1 से 2 घंटा टाइम लगेगा। अभी हम मेन मंदिर में प्रवेश करेंगे। मंदिर में प्रवेश करने से पहले आप ये राधे राधे वाला तिलक जरूर लगा लीजिए, इसमें एक अलग ही शांति, अलग ही फीलिंग्स मिलेगा आपको। मेन मंदिर के अंदर आपको श्री कृष्ण का जन्मस्थान कारागार देखने को मिलेगा। अंदर में आपको एक गुफा दिखने का मिलेगा जहाँ पर 10 रुपया का एंट्री फीस है। वहाँ में श्री कृष्ण भगवान की पूरा लीला दिखाया गया है, वो आप ज़रूर देखना। और अंदर में रबड़ी मिलता है, वो आप ज़रूर ट्राई कर लेना। जन्मभूमि मंदिर के पास ही है श्री द्वारकाधीश मंदिर। भगवान कृष्ण को अक्सर द्वारकाधीश या द्वारका के राजे के नाम से पुकारे जाता था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम पड़ा है। ये मंदिर रोज हजारों की संख्या में आने वाले पर्यटकों का स्वागत करता है। इस मंदिर का खास बात यह है, इस मंदिर से श्री भगवान कृष्ण जी इधर से द्वारका गए थे और इस मंदिर में जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो बिना मयूरपंख और बिना बांसुरी के साथ मिलते हैं। मंदिर दर्शन करने का टाइम है सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे तक। तो आप ये मंदिर दर्शन करने चाहते तो मथुरा स्टेशन से सबसे पहले इस मंदिर में ही आइए, उसके बाद जन्मभूमि जाइए, क्योंकि जन्मभूमि का एंट्री टाइम रहते हैं 12 बजे तक रहता है। इसके बाद हम इधर से ऑटो करके जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में सबसे पहले हम जाएंगे निधि वन में। ये स्थान बेहद पवित्र, धार्मिक और रहस्यमय है। माना जाता है यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता है। निधिवन में दिन में रहने वाली पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन में तुलसी का पेड़ है, यहाँ तुलसी का हर एक पौधे जोड़ में है। माना जाता है जब रासलीला करते करते राधा जी को प्यास लगी थी, श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से इस कूप को बनाए थे। श्री कृष्ण और राधा
जब रासलीला करते हैं तो ये तुलसी की पौधे गोपियाँ बन जाती है। निधि वन के अंदर रंग महल है और बहुत सारे मंदिर भी है। आप वृंदावन आ रहे हैं तो निधि वन जरूर दर्शन कीजिए, ये पूरा दिन खुला रहते हैं। इस मंदिर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे श्री बांके बिहारी मंदिर पर। वृंदावन तथा पूरा विश्व में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है जिनमें भक्तों को गहरी आस्था है, वो है ये बांके बिहारी मंदिर। भक्तों को मानना है कि जो भी व्यक्ति ये मंदिर पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ की मंदिरों में से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है और मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इस मंदिर को दर्शन करने का टाइम है सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से रात को 8:30 बजे तक। शाम होने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर की तरह। वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए केवल देश से भी बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ का शांति और सुंदरता भक्तों के घंटे पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। प्रेम मंदिर राधा कृष्ण की प्रेम की एक प्रतीक है। साथ ही आपको यहाँ राम सीता का भी एक खूबसूरत फूल बंगला देखने को मिल जाएगा। प्रेम मंदिर के हर एक कोने कोने में आपको श्री कृष्ण जी का पूरा जीवन कहानी देखने को मिलेगा। प्रेम मंदिर दर्शन करने के टाइम है 8:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये है पवित्र गोवर्धन पहाड़। शाम को प्रेम मंदिर आने का फायदा ये है, इस मंदिर का रंग बदलते रहते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, आपका मन पवित्र और शांति से भर जाएगा। प्रेम मंदिर दर्शन करने के बाद अभी हम शाम का ट्रेन से वापस दिल्ली आएंगे। ताज एक्सप्रेस मिलते हैं रात को 7 बजे मथुरा से और दिल्ली पहुंचा देते हैं 9:30 बजे। आप मथुरा और वृंदावन अगर एक दिन में घूमना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए संडे और छुट्टी के दिन पर ना आने के लिए, क्योंकि उस दिन इधर बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहते हैं। तो अभी हम ट्रेन में चढ़ेंगे और पहुँचेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं कोई नया वीडियो पर। बाय बाय, राधे राधे।